आपको क्या करना होगा, सबसे पहला पॉइंट जो है वो लिखने होंगे फैक्ट्स कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या पूछा है। एक सिंपल सा केस हम लोग लेते हैं जो जिसका जवाब सभी को आएगा। से कंपनी के 5 डायरेक्टर्स है, प्राइवेट कंपनी के सारे भी 5 डायरेक्टर्स से कोई हिल स्टेशन के लिए निकल रहे थे थ्रू कार, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट कार मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ऑल ऑफ देम डाइड। तो इंस्टीट्यूट आपको सवाल पूछ रहा है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स गुजर गए, ये डायरेक्टर्स मेंबर्स भी थे, दे आर ऑल्सो डेड, इज द कंपनी अलाइव और डेड, ऐसा सवाल पूछा है। तो यस नहीं, देखो यस या नो में जवाब नहीं देना है, वही तो बात है ना। शुरू करोगे फैक्ट से और एग्जामिनर को बताओगे कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि ये कंपनी के डायरेक्टर्स थे, मेंबर्स थे जो एक्सीडेंट में गुजर गए, उसके वजह से नाउ वी आर ट्राइंग टू एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग। पहले फैक्ट दे दोगे एक या दो सेंटेंसेस में, फिर आप शुरू करोगे विद द एनालिसिस। अब एनालिसिस में आप क्या कर रहे हो, पहली बात तो आप लीगल प्रोविजन दोगे। देखो पॉइंट वन, फैक्ट्स में आपने ये बता दिया कि क्वेश्चन में क्या दिया है, सिचुएशन में क्या दिया है। पॉइंट टू में आप क्या दे रहे हो कि एक्ट में क्या दिया है। फिर आप बताओगे अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ कंपनी, फिर परपेचुअल सक्सेशन को एक्सप्लेन करोगे, सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सप्लेन करोगे। तो अब देखो पहले वाले पॉइंट में जो क्वेश्चन में दिया है, सेकेंड वाले पॉइंट में जो एक्ट में दिया है, बट अभी भी हमारे पास हमारा सवाल का जवाब नहीं आया है। जवाब तब तक नहीं आएगा जब तक आप ये सेक्शन को सिचुएशन पे अप्लाई नहीं करते। फिर सिचुएशन पे अप्लाई करते हुए आप कहोगे कि दो द डायरेक्टर्स एंड द मेंबर्स आर नो मोर, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑल देयर शेयर्स विल ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसमिटेड टू द लीगल हेड। तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी डायरेक्टर लेस है या कंपनी शेयर होल्डर लेस है। द कंपनी स्टिल हैज शेयर होल्डर्स, द कंपनी स्टिल हैज डायरेक्टर्स। और फिर फाइनली एट द एंड यू विल से कंक्लूजन, और फिर कहोगे बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव आई मे कंक्लूड दैट द कंपनीज एग्जिस्टेंस हैज नॉट गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द अबव इंसिडेंट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन एवरी आंसर फॉर अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और अगर आपको सेक्शन नंबर और केस लॉ का नाम याद है तो फिर तो क्या बात है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बट एक बात याद रखना, अगर आपको केस लॉ के नाम याद नहीं है तो अपने केस लॉ मत बनाइए, बस लिख दिए कोई भी नाम, एग्जामिनर को क्या पता ऐसा केस लॉ हुआ था, ऐसा मत करना। कोई भी गलत सेक्शन जो है उसके नंबर मत लिखना, जाओगे एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए बाजी पूरी पलट जाएगी। क्योंकि अगर गलत सेक्शन नंबर लिख दिया एग्जामिनर को क्या समझ जाएगा, जो सही वाला सेक्शन है वो तो नहीं आता है और जो गलत नंबर लिख दिया है वो भी नहीं आ रहा है। तो डोंट डू एनी सच थिंग्स, नहीं आ रहा है स्ट्रेट अवे दो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।